अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 11 है उसकी हम करेंगे ये बुक वर्क। ट्रू और फॉल्स है। सुकी वाज एन एलिफेंट, इसको हम टिक करेंगे। सुकी वाज वेरी हैप्पी, इसको क्रॉस कर दें। सुकी लाइक्स हिज स्किन, क्रॉस। सुकी हिट इन द वाटर, क्रॉस। सुकी सा मोर ब्यूटीफुल एलिफेंट, ये टिक है। आगे एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स आर स्मॉल एनिमल, क्रॉस। एनिमल हैव अ बिग ईयर्स, टिक है। एलिफेंट हैव नो फ्रेंड्स, इसको क्रॉस कर दें। एलिफेंट हैव ट्रंक्स, इसको टिक करेंगे। एलिफेंट हैव लॉट्स ऑफ रिंकल्स, इसको भी टिक करेंगे। द स्टोरी, आई लाइक द स्टोरी, टिक है। आई लाइक द पैरट, क्रॉस। आई लाइक द टाइगर, क्रॉस। आई लाइक सुकी, टिक। आई थिंक द स्टोरी इज सैड, इसको टिक करेंगे। आगे ये देखिए, राइट द करेक्ट वर्ड्स, गिवन, गिव और गेव दिया हुआ है। इनमें से जो लफ्ज़ ठीक है उनको इन फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे। द टीचर गेव द टीचर गेव मी होमवर्क, शी डज नॉट गिव होमवर्क एवरी डे। लास्ट ईयर आई वॉज ऑलवेज गिवन होमवर्क, मॉम गेव मी अ नोट फॉर द टीचर, शी सेड द टीचर हैड, शी सेड द टीचर हैड गिवन मी टू मच होमवर्क। आई फॉरगॉट टू गिव द टीचर द नोट, आई विश आई हैड गिवन इट टू हर, बट आई विल गिव इट, इसको गिव ऐसे लिखें, जी आई वी ई, गिव इट टू हर टुमारो। आगे व्हाट एम आई है, होमवर्क, नोट, वेल, स्कूल बैग, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स लिखा है। इसमें से जो लफ्ज़ सही हैं उनको अपने खाली जगह में लिखना है। इसमें पहले में मैंने लंच बॉक्स लिखा है, दूसरे में नोट, फिर बेल, फिर पेंसिल केस, होमवर्क और स्कूल बैग। इसको देख के आपने ये जैसे मैंने लिखा है इस तरह आपने इसको खाली जगह को पूर कर लेना है, ठीक है। इन सब को जितना भी मैंने आपको कराया है इस सारा बुक वर्क अपनी बुक के ऊपर कर लीजिए।